अब काफ़ी लोगों की फेवरेट क्रेट है ये वाली जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आरपी ट्रेजर क्रेट आने वाली है, ये M3 या M4 में आएगी ये। तो इसमें आपको बन्नी मास्क, बन्नी सेट दिखेगा पूरा का पूरा। और सही बताऊँ तो ये मेरा फेवरेट सेट था एक टाइम पे और अभी भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इसके साथ साथ जो आपको तीन गन्स दिख रही हैं, गोल्ड वाली शॉर्ट गन, गोल्ड वाली कार 98 और उसके बाद M16। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ आरपी से रिलेटेड लीक्स दिखाए थे, आज भी मैं आपको आरपी से रिलेटेड कुछ लीक्स दिखाऊंगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि 300 यूसी का आपको रॉयल पास मिलता है जब आप 60 यूसी का वाउचर लगाते हो। वैसे रॉयल पास का जो रेट है वो है 360 यूसी, बट अभी यहाँ पर कुछ लीक्स निकल के आई हैं, जैसे कि 30 यूसी का वाउचर भी एक इवेंट के अंदर आने वाला है, ठीक है ना। ये इवेंट के अंदर आएगा, वहाँ से आपको ये जो वाउचर है मिलेंगे। जैसे कि आपने 30 यूसी का वाउचर लगा दिया तो आपको 60 यूसी का वाउचर लगाने पे 60 यूसी का डिस्काउंट मिलता था, तो 30 यूसी का वाउचर लगाने पे 30 यूसी का मिलेगा। अब इसके अलावा 60 यूसी वाला वाउचर तो आपको फ्री में मिल जाता है ना, बट यहाँ पर 90 यूसी का भी वाउचर आ रहा है। जैसे कि 90 यूसी का वाउचर अगर आप लगाते हो तो ये देखो लिखा भी हुआ है, अगर आप 360 यूसी स्पेंड करते हो रॉयल पास में 90 यूसी आपके ऑफ हो जाएंगे, मतलब कि आपको कितने का रॉयल पास मिलेगा, 270 यूसी का। अब यहां पर आपको मैं और दिखाऊं तो और भी काफी सारे वाउचर है, जैसे 100 यूसी का वाउचर है, 200 यूसी का वाउचर है, बट ये जो 200 यूसी का वाउचर है आप बड़े वाले रॉयल पास में लगा सकते हो जो कि 960 वाला है। 960 यूसी का जो रॉयल पास है वो आपको मिल जाएगा शायद 760 यूसी में, हाँ इतने में ही मिलेगा। तो इस तरह के भी कुछ लीक्स निकल के आए हैं। अब यहां पर आपको एक और कमाल की चीज दिखाऊं, BGMI लवर या फिर इंडिया वालों के लिए, ये दीवा आपको दिख रहा है, इसे हम दिया बोलते हैं, कोई दीवा बोलता है, है ना। तो ये आपको कब मिलेगा, ये एक इवेंट आएगा M3 में और दिवाली के नज़दीक में ये इवेंट आएगा और इसमें आपको दिए मिलेंगे और इस दिए को आप रिडीम कर पाएंगे, रिवॉर्ड्स ले पाएंगे और रिवॉर्ड्स में आपको परमानेंट गन स्किन या फिर आउटफिट मिल सकती है। वो इवेंट के ऊपर है कि इस टाइप का इवेंट आएगा, उसी से रिलेटेड एक और चीज़ है। जैसे कि यहाँ पर देखो आपको ये दिखेगा, ये वाला जो इवेंट है M4 में आएगा एंड M4 में जो इवेंट आएगा वो आएगा क्रिसमस के नज़दीक में। एंड यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि जो सेंटा के पास होता है ना एक, इसे कुछ तो बोलते थे, मुझे याद नहीं आ रहा, आप मेरे को बताना कमेंट करके। और भी काफ़ी सारे इवेंट आने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ मेट्रोला के साथ शायद इनका कोई कोलैबोरेशन होने वाला है, मेट्रोला कोइन आपको मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक बकेट सी मिल रही है, ये भी इवेंट में ही आएगी, उस इवेंट में आपको रिडीम करना पड़ेगा। और एक टिकट सी मिल रही है, ये टिकट भी आएगी इवेंट के अंदर। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सब इवेंट के रिलेटेड ही हैं, ठीक है। कोई भी यहाँ पर आपको परमानेंट चीज़ नहीं दिखेगी, सबके ऊपर टाइम लिमिटेड बना हुआ है ना। तो ये सारे इवेंट आने वाले हैं अगले 2 महीने के अंदर, सोच सकते हो कितने सारे इवेंट आने वाले हैं। और ये सारे इवेंट पबजी के अंदर तो आएंगे ही, बट इसमें से 80% इवेंट जो है वो BGMI के अंदर आएंगे। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है सारे इवेंट BGMI के अंदर नहीं आते, कुछ ही आते हैं। अब यहाँ पर लीक्स तो मैंने आपको दिखा दी, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी गन्स भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि ग्रोजा मिलने वाली है, ग्रोजा की स्किन रिवील नहीं हुई है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं C1H2 ग्रोजा लिखा हुआ है, मतलब कि ये जो C1H2 ग्रोजा है वो आपको फ्री में मिलेगी। कैसे फ्री में मिलेगी, डायमंड टायर पे, जैसे कि गोल्ड पे पहुंचने पे कोई आउटफिट मिलती है, फिर प्लैटिनम पे पहुंचने पे कुछ उसका हेडगियर मिलता है, फिर जब आप डायमंड पे पहुंचते हो तो कोई गन मिलती है ना, जैसे मशीन गन मिली थी पिछली बार, उससे पहले हमें मिली थी DP, है ना। तो उसी तरीके से आपको इस बार ग्रोजा मिलेगी और यहाँ पर C1H2 का एस पैराशूट, मतलब जो एस पे पैराशूट मिलता है वो भी अभी रिवील नहीं हुआ है, बट हाँ हमें पता चल रहा है कि भाई क्या क्या मिलने वाला है। C1H2 सेट, मतलब कि सेट मिलने वाला, वो भी लेजेंडरी, देखो लेजेंडरी यहाँ पर आपको पिंक दिख रहा होगा। तो काफ़ी सारी लीक्स निकल के आई हैं, बट प्रॉपर लीक्स कब निकल के आएंगी, 3 से 4 दिन में प्रॉपर लीक्स निकल के आ जाएंगी, क्या क्या परमानेंट मिलने वाला है, क्या क्या टाइम लिमिटेड मिलने वाला है, कैसी स्किन होने वाली है, क्या होने वाला है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि M3 में अपग्रेड गन कौन सी आने वाली है और क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है, चलते हैं वीडियो पे। अब वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो लीक्स है वो हमें प्रियांक भाई ने दिए हैं, तो उनके चैनल को भी विजिट करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको एक वेक्टर की अपग्रेड गन दिख रही होगी एंड ये वाली जो वेक्टर की अपग्रेड गन है वो आने वाली है लक्की क्रेट के अंदर M3 में। एंड इसी के साथ साथ आपको इसका मटेरियल मिलेगा मॉडिफिकेशन करने के लिए, वो भी आपको मिलेगा, साथ में जो नॉर्मल मटेरियल होता है वो भी मिलेगा। तो ये काफ़ी कमाल की चीज़ मेरे को लगी एंड शायद मैं इस वाली गन को निकालूंगा अगर 2-3 हज़ार यूजी में निकल गई, ज़्यादा से ज़्यादा 5 हज़ार यूजी लगाएंगे हम, देखते हैं निकलती है या नहीं। अब चलते हैं आगे क्या आने वाला वो देखते हैं। अब काफ़ी लोगों की फेवरेट क्रिएट
क्रेट है ये वाली जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आरपी ट्रेजर क्रेट आने वाली है ये, M3 या M4 में आएगी ये। तो इसमें आपको बन्नी मास्क, बन्नी सेट दिखेगा पूरा का पूरा। और सही बताऊँ तो ये मेरा फेवरेट सेट था एक टाइम पे, और अभी भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इसके साथ साथ जो आपको तीन गन्स दिख रही हैं, गोल्ड वाली शॉर्ट गन, गोल्ड वाली कार 98 और उसके बाद M16, भाई साहब ये एक ऐसी चीज़ है ना, ये तीनों गन्स एक ऐसी चीज़ है ना, ये बहुत ही लक्की बंदों के पास है, क्योंकि इतनी पुरानी आईडी बहुत कम बंदों के पास है जिन्होंने उस टाइम पे रॉयल पास लिया था एंड उस टाइम की ट्रेजर क्रेट को खोला था और इन सभी चीज़ों को निकाल के अपने पास रखा था। तो ये काफ़ी तगड़ी चीज़ मेरे को लगी। और अगर ये M3 या M4 में आएगी तो 1% चांस है कि ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जो आरपी पॉइंट हमें मिलते हैं उससे हम क्रेट खोल सकते हैं एंड कोशिश कर सकते हैं कि हमारे लक के ऊपर है बाकी तो, कि हमें मिलता है या नहीं, बट कोशिश करने में क्या जाता है ना। तो ये जो क्रेट है वो ट्रेजर क्रेट आने वाली है जिससे आप आरपी पॉइंट से भी खोल सकते हैं, यूसी से भी खोल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो ये वाली क्रेट किसको किसको पसंद है, मैं सही बताऊं तो मुझे इस क्रेट के अंदर सब कुछ अच्छा लगा, जितना भी सामान आने वाला है ना सब कुछ। आपको कैसा लगा आप मेरे को कमेंट करके बताना। और इसके अलावा ये वाली आरपी ट्रेजर्स भी देख सकते हैं आप। उसके बाद सेकंड आरपी ट्रेजर की बात की जाए तो इस वाली क्रेट में आपको सीजन 12 की बायजन मिलेगी, सीजन 10 की USZ मिलेगी और तीन आउटफिट हैं जो कि मुझे किसी काम की नहीं लगी। एक येलो वाली है, दो वाइट है और दोनों, एक वाइट वाली तो थोड़ी सी अच्छी है बट बाकी मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लगा इसमें। USZ ये वाली सबके पास होगी लगभग, काफ़ी कम बंदे होंगे जिनके पास ये वाली USZ नहीं होगी, क्योंकि ये आरपी के अंदर ही मिल गई थी और इसके लिए कोई क्रेट भी नहीं खोलनी पड़ी थी, मतलब कि आरपी के अंदर ही थी। पता नहीं कितने आरपी पे थी, 40 या 35 आरपी पे थी ये वाली और काफ़ी सारे बंदों के पास होगी। एंड ये वाला बैग देखोगे तो बैग भी किसी काम का नहीं है, ये बैग भी काफ़ी बंदों के पास होगा। जिनके पास नहीं है हाँ वो जरूर निकाल सकते हैं। हेलमेट भी ये वाला काफ़ी बंदों के पास होगा, क्योंकि रॉयल पास के अंदर वाली चीज़ें क्रेट में डालने का मतलब क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा, बट ये वाली क्रेट मेरे को बिल्कुल बकवास लगी। अब आप बताना आपको पहले वाली आरपी ट्रेजर क्रेट अच्छी लगी है दूसरी वाली, ठीक है। अब चलते हैं और क्या क्या आने वाला है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट लीक में मैं आपको दिखाने वाला हूँ सप्लाई क्रेट जो कि M3 में आने वाली है। तो ये वाली सप्लाई क्रेट आप देखोगे तो इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो आपको पसंद आएगा। जो ये गुड्डे वाला सेट है ये मेरे को काफ़ी पसंद आया था उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये गुड्डे वाला सेट आया था, बट ये मैं निकाल नहीं पाया था। ये शायद 5-5, 10-10 हज़ार यूसी में इजीली निकल रहा था उस टाइम पे एंड अभी ये डिस्काउंट में भी आया था। और ये वाली USZ भी काफ़ी कमाल की है। तो इस वाली क्रेट में अगर हम देखें सप्लाई की क्रेट तो काफ़ी कमाल की है, बट सप्लाई की क्रेट में आपको पता है कि टाइम लिमिटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं और लक 0% ही होता है, मतलब लक तो उसमें इतना घटिया होता है, 0% भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, 0.0% लक होता है। वैसे अगर बात की जाए मिथिक चीज़ तो निकलती नहीं है सप्लाई ग्रेड में जल्दी, बट हाँ ये जो लेजेंडरी चीज़ें हैं ये निकल जाएंगी। अब किसी को हेडगियर मिल जाएगा, किसी को नीचे वाला सेट मिल जाएगा, बट फुल आउटफिट उसी को मिलेगी जिसका लक अच्छा होगा। बट सप्लाई क्रेट की बात की जाए तो सप्लाई क्रेट मेरे को काफ़ी पसंद आई। अब यहाँ पर आपको सिर्फ लेजेंडरी चीज़ें दिख रही होंगी और जो इपिक चीज़ें हैं वो दिख रही होंगी। अब आप सोच रहे होगे कि सप्लाई क्रेट के अंदर मिथिक कहाँ है, मिथिक भी तो आता है, तो मिथिक भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको लेजेंडरी और इपिक दिखा रहा हूँ कि क्या क्या इपिक और लेजेंडरी में आने वाला है। और एक आउटफिट नीचे वाली जो देखोगे आप चुड़ैल वाली, वो भी आने वाली है और QBZ भी आने वाली है, VSS भी आने वाली है। अब मिथिक की बात करते हैं तो मिथिक भी देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, ये मिथिक आने वाला है और इसका खड़ने का स्टाइल देखो भाई क्या कर रहा है, खड़ के कर क्या रहा है। बट इस वाली ड्रेस का इमोट काफ़ी खतरनाक है और ये जो आउटफिट है ये मिथिक में आने वाली है सप्लाई के अंदर। इसका हेडगियर भी आप देख सकते हैं और आउटफिट भी देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि और क्या क्या आने वाला है। अब अगली जो लीक्स है हमारे को मिली है कस्टम क्रेट की एंड कस्टम क्रेट आने वाली है प्रीमियम क्रेट की जगह पे। प्रीमियम क्रेट भी जल्दी ही आ जाएगी जैसे कस्टम क्रेट खत्म होगी। तो कस्टम क्रेट के अंदर जो ये पहली आउटफिट है ये काफ़ी कमाल की लगी मेरे को, कार्डबोर्ड वाली जो आउटफिट है। अब ये वाली आउटफिट है तो अच्छी बट बहुत पैसे लगाने पे निकलेगी तो अपने किसी काम की नहीं है। उसके बाद अगर सेकंड आउटफिट की बात की जाए तो सेकंड आउटफिट है स्नोमैन वाली एंड ये स्नोमैन वाली आउटफिट भी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। और इस वाली आउटफिट को अगर आप अल्ट्रा HD पे देखोगे ना तो इसका जो
चेस्ट है ना उसके अंदर देखो करंट सा निकलता है, आग सी जलती है, मतलब बहुत ही खतरनाक आउटफिट लगी मेरे को ये। बाकी जो आउटफिट दो हैं नीचे वाली, ये दोनों की दोनों फालतू आउटफिट है, मेरी किसी काम की नहीं है ना मुझे पसंद है। बट इस वाली आउटफिट की अगर इमोट की बात की जाए तो इमोट काफ़ी ही शानदार है, काफ़ी ही तगड़ा इमोट है। बट इसकी जो ड्रेस है वो इतनी कुछ खास नहीं है, सिर्फ इमोट अच्छा है। अगर फोर्थ ड्रेस की बात की जाए तो फोर्थ ड्रेस भी आप देख सकते हैं, फोर्थ ड्रेस में ना मुझे इमोट अच्छा लगा ना मेरे को आउटफिट अच्छी लगी, सही बताऊँ तो। अब इस वाली आउटफिट को मिथिक में क्यों रखा गया मुझे नहीं पता। इसके अलावा बात की जाए तो M4 AKM UAZ प्लेन की स्किन, काफी सारी और चीजें हैं बट इसको हम स्किप करते हैं। उसके बाद आपको और भी काफी सारी मिथिक चीजें देखने को मिलेंगी कस्टम क्रेट के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाली एक नाइट वाली आउटफिट है जो कि भूत वाली है, और ये भी काफी अच्छी आउटफिट है बट कस्टम क्रेट के अंदर आने वाली है, अपने किसी काम की नहीं है, हम निकालेंगे ही नहीं। अब उसके बाद ये वाली एक आउटफिट है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, इसका भी मोड काफी अच्छा है और आउटफिट किसी काम की भी नहीं है। आउटफिट नीचे नीचे से सही है बट ऊपर से जो इन्होंने मतलब बवासीर मचाया ना वो बहुत ही बेकार है। उसके बाद ये वाली आउटफिट भी काफ़ी अच्छी है, इसका भी जो इमोट है वो सेम टू सेम पिछली वाली आउटफिट की तरह है, बट क्या कर सकते हैं, मतलब पबजी वाले करते ही यही हैं, BGMI वाले भी अब यही करेंगे है ना। तो उसके बाद अगर अगली ड्रेस की बात की जाए तो अगली ड्रेस आप देख सकते हैं कार्डबोर्ड वाली मैंने आपको दिखा दी थी। उसके बाद अगली ड्रेस की बात की जाए तो अगली ड्रेस ये गोल्ड वाली जो काफ़ी कमाल की लक्की क्रेट में आई थी, तो गोल्ड वॉरियर हेड गियर हेडसेट, तो ये भी आने वाला है। M4 एक और ये वाली दिख जाएगी आपको कस्टम क्रेट के अंदर, DP दिख जाएगी, DP काफ़ी कमाल की है। उसके बाद आपको कार 98 दिख जाएगी, कार 98 भी काफ़ी कमाल की है। उसके बाद आपको ट्रिपला की स्किन दिखेगी जो कि मेरे पास पहले से है बट काफ़ी बंदों के पास नहीं है, ये प्रीमियम के अंदर आई थी और मुझे फ्री में मिल गई थी। उसके बाद UAZ भाई साहब क्या ही कमाल की UAZ है। एंड उसके बाद बात की जाए तो हेलमेट की स्किन आपको दिख जाएगी, हेलमेट भी अच्छा है बट इतना कुछ खास नहीं लगा मेरे को, इससे अच्छे अच्छे हेलमेट पहले भी आ चुके हैं तो मेरे हिसाब से तो नहीं ये वाला हेलमेट कोई यूज़ करेगा। बट इसके बाद एक बैक की स्किन है जो कि ठीक ठाक है, उसके बाद एक और हेलमेट की स्किन जो कि काफ़ी यूनिक हेलमेट है, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को ये पम्पकिन वाला हेलमेट। उसके बाद वही लेजेंडरी चीज़ें ग्रेनेड की स्किन वगैरह, ऑर्नामेंट वगैरह, एंड मिनी की स्किन, पैन का स्किन एंड पैराशूट। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मैंने सोचा कि आप सभी को बता दूं आने वाले टाइम पे क्या क्या आने वाला है। बट प्रीमियम क्रेट की काफ़ी सारे बंदे लीक्स की वीडियो चाहते होंगे बट जल्दी ही आपको वो भी मिल जाएगा क्योंकि प्रीमियम क्रेट अभी जल्दी नहीं आने वाली, क्योंकि कस्टम क्रेट आएगी तो वो थोड़े दिन तक रहेगी, उसके बाद आपको प्रीमियम क्रेट की भी लीक्स मिल जाएगी। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रियांक भाई के चैनल को भी जाके चेकआउट कर लेना क्योंकि उन्हीं की वजह से ये लीक्स मिलती है हमें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।